सोलन पुलिस ने एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रही है। एक तरफ जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नशा माफिया के सदस्य को पकड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने 5 दिन पहले लाखों की चोरी के 4 आरोपियों को न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाया बल्कि उनसे चोरी का तांबा भी बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये चोर चोरी के माल को मंडी में ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन सोलन पुलिस को भी इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे माल सहित गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पकड़े गए चोर एक ही गांव के हैं और उनकी उम्र 19 से 22 वर्ष के बीच है, जो मूलतः मंडी के भ्यूली के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के स्टोर से करीब 1900 किलो तांबा चोरी कर मंडी ले जाकर बेचने की वे फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ये उनके हत्थे चढ़ गए। उन्होंने बताया कि ये हिमाचल में विभिन्न जिलों में जाकर इसी तरह तांबे की चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही और खुलासों का पता चलेगा। सोलन पुलिस ने 30 जुलाई 2018 को यहां पे सोलन में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन HPSCBL से कुछ तांबा चोरी हुआ था, उसको बरामद किया है और मंडी से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक भरी हुई पिकअप तांबे के साथ बरामद की है। ये जो दोषी हैं ये भ्यूली मंडी के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच की है।